हमारे फिल्म मेकर्स को ड्रीम मर्चेंट्स कहा जाता है क्योंकि वो थिएटर्स के अंदर ऑडियंस को सपने दिखाते हैं। हाय, मैं हूं देव एंड वेलकम टू बॉलीवुड क्लोजअप। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने सपने देखे थिएटर के अंदर नहीं बल्कि थिएटर के बाहर उसके सामने से गुजरते हुए। आगे जाके वही शख्स एक डायरेक्टर बने जिन्होंने इतिहास रचा। रमेश सिप्पी, द सन ऑफ प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी, सेंट जेवियर स्कूल धोबी तालाब मुंबई के स्टूडेंट थे और हर दिन जब वो स्कूल जाते थे तो मेट्रो सिनेमा के बाहर लगे हुए पोस्टर्स को वो देखते थे और सपने देखते थे। आगे जाके उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया था लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा इसलिए वो वापस आ गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। शोले, रमेश सिप्पीज थर्ड फिल्म एज डायरेक्टर, इज ऑफकोर्स पार्ट ऑफ आर हेरिटेज। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि शोले ने एक तरह से रमेश जी को कैद कर लिया। आज मैं बात करूंगा रमेश सिप्पी जी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मेरे हिसाब से शोले से कुछ कम नहीं थे बट दे डिड नॉट गेट देयर ड्यू। मेक नो मिस्टेक, दे वर मास्टरपीसेस। अंदाज, रमेश सिप्पीज फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, ये एक बहुत ही हटके और मच्योर लव स्टोरी थी बिटवीन अ विडोवर एंड अ विडो। उस जमाने में ऐसी फिल्में बनती नहीं थी और कहते हैं कि काफ़ी सारी हीरोइंस ने लीड रोल करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका इमेज अफेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये रोल हेमा जी ने किया। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई एक्सपीरियंस डायरेक्टर इस फिल्म को बना रहा है। द वे रमेश जी हैंडल द स्टोरी, हैंडल द कैरेक्टर्स एंड द इमोशंस वॉज ब्रिलियंट। चाहे वो सुपरस्टार्स हो जैसे कि शम्मी कपूर और हेमा मालिनी जो लीड रोल्स में थे या फिर चाइल्ड आर्टिस्ट, रमेश जीज हैंडलिंग वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। इस फिल्म का हाईलाइट था शंकर जयकिशन जी का संगीत एंड दैट ग्रेट कैमियो बाय द सुपरस्टार ऑफ द टाइम राजेश खन्ना। वो गाना जो राजेश खन्ना जी मोटरसाइकिल पे गुनगुनाते हैं, गाते हैं विद हेमा जी सिटिंग बिहाइंड हिम, ये कौन भूल सकता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। अंदाज की सक्सेस के बाद रमेश जी ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, लेट्स मेक अ फन फिल्म। तो सिप्पी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा फन फिल्ड स्क्रिप्ट बनाओ। उस स्टोरी डिपार्टमेंट के दो एम्प्लॉयज थे उस वक्त जिनके नाम थे सलीम खान और जावेद अख्तर और उन्होंने दिलीप साहब के राम और श्याम का फीमेल वर्जन स्क्रिप्ट किया। कहानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, दो जुड़वा बहनों की कहानी, एक एक्सट्रोवर्ट दूसरी इंट्रोवर्ट। मुमताज जी ने किसी वजह से लीड रोल करने से मना कर दिया और हेमा जी को साइन किया गया एंड शी हैड अ ब्लास्ट व्हाइल वर्किंग दिस फिल्म। आफ्टर हेमा जी केम ऑन बोर्ड, एक थोड़ा सा डाउट हो गया था फिल्म के क्रू के मन में कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म में दो हीरोज के रोल्स कौन करेंगे। लेकिन रमेश जी ने कन्विंस किया उस जमाने के दो टॉप एक्टर्स संजीव कुमार और धर्मेंद्र को टू एक्ट एज द हीरोज। इट ऑल्सो हेल्प्ड दैट बोथ वर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ हेमा जी। सीता और गीता बनी और बहुत बड़ी हिट हुई। अनदर फिल्म ऑफ रमेश सिप्पीज दैट हैजंट गॉट इट्स ड्यू। सीता और गीता के सक्सेस के बाद रमेश सिप्पी ब्रॉट बैक धर्मेंद्र, हेमा मालिनी एंड संजीव कुमार टुगेदर इन अ फिल्म कॉल्ड शोले। कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हसी रे कहीं फरियाद, पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। 1986 से 1987 तक जब ये गाना दूरदर्शन पे प्राइम टाइम पे हफ्ते में दो बार बजता था पूरा देश रुक जाता था टू विटनेस द लेटेस्ट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन द लाइव्स ऑफ मास्टर हवेली राम, लाजोजी, कुलभूषण, वीरावाली, लाला वृषभान, लाला गेंदामल एंड मेनी मोर। बुनियाद एक एपिक टीवी सीरीज थी विच कवर्ड द पीरियड फ्रॉम द 1920s टू द 1980s। एक परिवार की कहानी थी। वो कहानी शुरू होती है लाहौर में इन द विच्छो वाली लोकेलिटी और फिर वो जाके आती है पंजाब, दिल्ली और मुंबई। उस सीरियल में जिन एक्टर्स ने काम किया, चाहे वो दलीप ताहिल हो, किरण जुनेजा हो, कवलजीत सिंह हो या सुधीर पांडे हो, दे आर रिमेंबर्ड टू दिस डे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बुनियाद का स्मॉल स्क्रीन पर उतना ही इम्पैक्ट था जितना शोले का बिग स्क्रीन पे था।
बुनियाद वॉज अ माइल स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन. और उसके दो अनसंग हीरोज थे राइटर मनोहर श्याम जोशी एंड द डायरेक्टर रमेश सिप्पी. बुनियाद के बाद रमेश जी ने और कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया. उसमें से एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था अकेला, जिसमें अमिताभ बच्चन का मुकाबला होता है एक ऐसे विलन से जो एक ही वक्त पे दो अलग अलग जगह मौजूद होता है. बाद में जाके इंस्पेक्टर विजय वर्मा, जो कि बच्चन साहब उस फिल्म में थे, उनको ये पता चलता है कि ये एक्चुअली जुड़वा भाई है. कुछ फमिलियर लगा आपको ये सुन के? धूम 3 में जो आमिर खान ने किया था, वही 1991 में रमेश जी, सलीम खान, अमिताभ बच्चन और उस फिल्म के विलन कीथ स्टीवेंसन ने किया था. ट्विन्स एज विलन्स, हेंस प्रूफ दैट देयर इज अ लॉट मोर टू रमेश सिप्पी देन जस्ट शोले और फॉर दैट मैटर शान, शक्ति एंड सागर. हियर्स विशिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रीम मर्चेंट्स ऑफ ऑल टाइम अ हैप्पी बर्थडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood Close Up. Bye. Radio Nasha.